सहरा को मेरा ख्याल आबादी के आबाद कर तो वो ट्रैक के बीच में आबादियाँ आई उसकी वजह से भी इनोवेशन के लिए जाकर अदरवाइज ट्रैक नियरली हुई है और ये माशाल्लाह ये डे वन का ट्रैक है स्टेज वन और टू बहुत ही तेज़ और ज़बरदस्त ट्रैक है। मैं समझता हूँ इस दफ़ा कोई 100 से ऊपर रेसर्स आए पाकिस्तान डायरी के लिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सब गाड़ियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़ कर रही रेसेस के लिए तो शायकीन के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्पेक्टेटर यूँ भी रहेगा अच्छी जगह पे खड़ा है और देखेगा। नादर मक्सी को देखने के लिए आधा क्राउड यहाँ आता है। आप चैम्पियन हो सर इसके, तो सर जीप रैली जो है हमारी चोलिस्तान की, इसके लिए इसको इंटरनेशनल हाई लेवल पर ले जाने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, क्या आपकी राय है सर इस बारे में? अब ये तो मेरा ख्याल पहुंच गई है, 500 रैली है हमारी है। अब इसको बढ़ाने का यही जो आपने अभी बात की है इसका यही इलाज है, इसको इंटरनेशनल किया जाए। और इस दफ़ा भी मेरे ख्याल अफगानिस्तान से बाइकर्स आए हैं, 12-15 लोग हैं वहाँ से, तो इंटरनेशनली इंटरनेशनल करने के लिए लोग आने को तैयार हैं। अभी भी आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, इधर से लोग जो ट्यून करते हैं गाड़ियों को, लोगों ने बड़ी मेहनत की है लोगों को ला के यहाँ पर। जब तक आप गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी रेसर्स को बाहर से आने के लिए उनकी गाड़ियों को, तो ये मसला हल नहीं होगा। अब जैसे ग्वादर है, ग्वादर में बॉर्डर साथ में, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो ग्वादर से आते हैं, ईरान के लोग 12-15 गाड़ियाँ आती हैं ज़बरदस्त रेसर्स, इधर भी यही होना चाहिए क्योंकि ये मेन रेस है पाकिस्तान की चोलिस्तान। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी फैसिलिटेट, ये फिर ये स्टैगनेंट मतलब इधर है, इधर फंसी। बहुत शुक्रिया सर।